देखिए, हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट का सीरीज शुरू किया था जो कि डिस्ट्रिक्ट का एमसीक्यू क्वेश्चंस है, और हम लोगों ने तय किया था जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी से लेके इसको शुरू करेंगे, और जनवरी से लेके सितंबर तक, ठीक है, सितंबर तक इसके सारे एमसीक्यू कर जाएंगे, ठीक है। तो हमारे हमारे दो क्लास पहले भी इसके रिगार्डिंग हो चुके हैं जो कि वीडियो पर हुआ, आप लोग देख सकते हैं। आज हमारी जो तीसरी क्लास है, और हम लोग 46 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन ही प्रतिदिन मात्र करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन जो आपके समक्ष ये रहा, भारत को प्रीमियम केसर के शीर्ष वैश्विक उत्पादन के रूप में मान्यता प्राप्त, जो विश्व के केसर के उत्पादन में 95% का योगदान देता है, ठीक है। भारत की पंपोर क्षेत्र, जिसे आमतौर पर कश्मीर केसर का कटोरा कहा जाता है, केसर उत्पादन के मुख्यतः योगदान करता है। तो बताना उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या सही होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर होगा एक और दो, दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों कथन सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है इसमें, स्पष्टीकरण है, एक सही है, दो गलत है, और एक गलत है, और दो कथन सही है, ठीक है। तो ध्यान, इसका आंसर की बात करेंगे, पहला तो साफ साफ गलत होगा, क्योंकि भारत केसर का उत्पादन में 95% योगदान नहीं करता है, जबकि 95% योगदान की बात के विश्व में केसर का सबसे बड़ा जो उत्पादन करता, जो कौन है, ईरान है, कौन है, ईरान है, ठीक है। इस पे हम लोगों ने पहले भी बात किया था, क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद के दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, भारत में पंपोर क्षेत्र, जिसे आमतौर पर कश्मीर की केसर का कटोरा कहा जाता है, केसर उत्पादन के मुख्यतः योगदान करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपका दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है आपका, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन क्या है, एक गलत हो गया, परंतु दो कथन की बात करेंगे सही है। तो भारत में अगर केसर उत्पादन के लिए कौन सा जिला, कौन सा राज्य जाना जाएगा, तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कौन सा क्षेत्र, पंपोर क्षेत्र, ठीक है। डिटेल्स में अगर पूछेगा तो कौन सा क्षेत्र, माइक बंद कीजिए, पंपोर क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है, पंपोर क्षेत्र, पंपोर क्षेत्र को भारत में या फिर जम्मू कश्मीर में किसका कटोरा बोलते हैं, तो केसर के कटोरे के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, देखिए, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। PEMFC, जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ईंधन को सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैटरी की तुलना में काफी अधिक दक्षता प्रदान होती है। PEMFC द्वारा उत्पादित जल का उपयोग जहाज पर खपत अथवा अतिरिक्त उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोसिस हेतु किया जाता है। बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताना है दोनों सही है या फिर कोई एक ही सही है, ठीक है। इसका ध्यान रखते, दोनों का दोनों सही स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। बहुत सुंदर प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में, क्योंकि आईटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, 69 बीपीएससी में आपने देखा होगा, तो ये प्रश्न इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, PEMFC, सबसे पहले तो हमें इसका फुल फॉर्म जानना चाहिए, तो फुल फॉर्म की बात करेंगे क्या है, तो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, ठीक है। इसका ईंधन को, मतलब ये जो ईंधन जो होता है उसको सीधे बिजली में परिवर्तित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बैटरी के तुलना में क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा दक्ष होती है, ठीक है। PEMFC द्वारा उत्पादित जल का उपयोग जहाज पर खपत अथवा अतिरिक्त ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रोसिस हेतु किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। चलिए, आप चलेंगे आगे के प्रश्न को देखेंगे, कौन सा प्रश्न है उसको जा देखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बताइए, ये बड़ा चर्चा में था, ये तो बता देंगे आप लोग से, उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बताइए क्या होगा। 25 की बात है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है 25, आपको पता होना चाहिए भारतीय संविधान में, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है भारतीय संविधान। अब 25 से लेके कहां तक के आर्टिकल से जो कि धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो कि मौलिक अधिकार भी है, 25 से 28 तक है। तो 25 से 28 में बात करेंगे, तो अनुच्छेद 25 में बाघ जो बाघ जो लिखा हुआ, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता क्या है, सही है, नहीं सर, वो मानने को बोलता है गलत है, ठीक है। जो इसमें क्या है, इसमें क्या, अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, ठीक सर है। 25 में क्या है, तो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। मतलब अपने धर्म को आप पालन भी कर सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, मतलब कन्वर्जन नहीं करा सकते किसी को। हाँ, अपने धर्म के बारे में उसे बता सकते हैं, मेरे धर्म ये अच्छा ये खराब ही है, लेकिन उसको वो थोप नहीं सकते हैं। तो ये 25 में जाएगा, ठीक है। और 26 की बात करेंगे, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो ये नहीं ऊपर नीचे कर दिया था, दोनों गलत हो गया। 28 की बात करें, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो धार्मिक शिक्षा में आपको भाग लेने की स्वतंत्रता है, जो प्रीचिंग जो होते हैं, उपदेश जो होते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। 27 से छूट गया, तो 27 में क्या है, तो 27 में है, तो किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए सकता करों के भुगतान की स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, इसका स्टेटमेंट केवल 3 सही है, दैट मीन्स अगर पूछेगा कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, मतलब ऑप्शन नंबर केवल 3 सही है, बाकी एक आधो आपको दोनों का दोनों गलत दिया हुआ है, ठीक है।
अब आते हैं नैनो प्लास्टिक कणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए नैनो प्लास्टिक के बारे में, ठीक है। तो नैनो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक से छोटे होते हैं, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट? नैनो प्लास्टिक की बात करेंगे तो माइक्रो प्लास्टिक से क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। और जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है, ठीक है, ध्यान रखना। जिनका आकार की बात करेंगे तो 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है? कम होता है। ये आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है। आप चलेंगे दूसरा वाला प्रश्न को, दूसरे वाला ऑप्शन को देखेंगे। वे आंतों और फेफड़ों को सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों या फिर सही दोनों ही है, सही बताइए। तो दूसरा इसमें सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है नैनो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक से छोटे होते हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से कम होता है। नैनो की बात करेंगे तो नैनो प्लास्टिक जो होता है माइक्रो प्लास्टिक से क्या होता है? छोटा होता है। वे आंतों और फेफड़ों में सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। चर्चा में क्या था नैनो प्लास्टिक? तो संयुक्त माइक, किनका इको कर रहा है माइक? बंद कीजिए ना, करंट के क्लास में बोलना तूने, बंद कर लीजिए भाई, बहुत इको हो रहा है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नवीनतम अध्ययन में, ठीक है, बोतल बंद पानी के बारे में चिंताजनक वास्तविकता का पता चला है, जिसमें संभावित स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रेखांकित करने के लिए सैकड़ों हजारों नैनो कणों की उपस्थिति को उजागर किया गया है, ठीक है। एक बोतल बंद पानी में 1,10,000 से 3,70,000 नैनो प्लास्टिक के कण होते हैं, ठीक है। इनमें से लगभग 90% कण नैनो आकार के होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए मतलब क्या करते हैं? अत्यधिक खतरा उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और ये बहुत अधिक खतरनाक होता है क्योंकि वे आंतों और फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में मतलब क्या करते हैं? प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। यक्षगान मेला, ठीक है, सबसे पहले बताइए यक्षगान एक नृत्य है, कहाँ का नृत्य है बता सकते हैं? यक्षगान कर्नाटक कर्नाटक का। का है, ठीक है, ध्यान रख। हाँ ठीक है, अरे कर्नाटक, कर्नाटक को ज्यादा नहीं हो गया, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक का एक अनोखा नृत्य नाट्य प्रदर्शन है, ठीक है। इसमें सभी भूमिकाएं पुरुषों के द्वारा निभाते हुए दिखाया जाता है और महिलाओं के लिए कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तो ये बात सही है क्या? हाँ ये दूसरा तो वाला सही गलत है। है, ठीक है। इनमें नहीं, इनमें अधिकांश भूमिकाओं की बात करेंगे तो पुरुषों के द्वारा दिखाते तो है, ठीक है, अधिकांश, ठीक है, लेकिन महिलाएं अब इन मंडलियों का हिस्सा है, अतः दो कथन सही नहीं है, ठीक है। अब मुख्य तत्व की बात की, यक्षगान का मुख्य तत्व जो होता है कहाँ से लिया जाता है? तो रामायण और महाभारत से। कहाँ से? तो रामायण और महाभारत से, ठीक है, रामायण और कहाँ से? ध्यान में रखिएगा, तो महाभारत से मतलब क्या होता है? प्रेरित होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से लागू किया गया। तो तारीख तो गलती दिया हुआ है ना, कौन सा हो जाएगा? 106 के जगह पे क्या हो जाएगा? 101 होगा, ठीक है। 2016, 2016 तो सही है, ठीक है, एक अप्रत्यक्ष कर है, ये भी सही, लेकिन यहाँ पे संविधान संशोधन क्या दिया था? गलत दिया हुआ था, ठीक है। बाकी अप्रत्यक्ष कर सही है, 2016 भी सही है, ठीक है। अब इसका और भी स्टेटमेंट यही देख। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था जीएसटी, 2016 तो में। लागू के बात हो रही है, अधिनियम कब आया था? अधिनियम 2016 में ही आया था अधिनियम, ठीक है, वो अधिनियम की बात हो रही थी, लागू सत्र में हुआ था उससे मतलब नहीं है, ठीक है। आप देखेंगे संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279(a) के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? दूसरा ठीक है, गलत, दूसरा सही है, तो जीएसटी दूसरा सही परिषद है, इसमें दो पहला सौ गलत उनासी है। के ए के अनुसार है, तो जीएसटी परिषद राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, दूसरा कथन सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता फाइनेंस मिनिस्टर। है? ठीक है, तो अध्यक्ष की बात करेंगे तो फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अध्यक्ष की बात करेंगे, अध्यक्ष कौन होते हैं? तो फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप चलेंगे आगे देखेंगे थर्मोकास्ट। थर्मोकास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकार का भूभाग है जिसकी विशेषता दलदली, खोखली या छोटी छोटी चट्टानों की अनियमित सतह है, ठीक है। पाटागाइका क्रेटर थर्मोकास्ट का एक उदाहरण है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, पार्माफ्रॉस्ट क्रेटर है। सक्रिय रॉक ग्लेशियर थर्मोकास्ट विशेषताओं का निर्माण के कारण बन सकते हैं, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही? उपयुक्त में से कितने कथन सही, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे इसका आंसर क्या होगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है, ठीक है, तो इनमें से कोई भी मतलब सारे के सारे स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। पर दौरान सुनिएगा, ठीक है, थर्मोक्रास्ट, ठीक है, थर्मोक्रास्ट की बात, यह एक प्रकार का भूभाग है जिसकी विशेषता दलदली, खोखली और छोटी छोटी चट्टानों की अनियमित सतह है, ठीक है, थर्मोक्रास्ट
थर्मोकास्ट कहते हैं। बाटा गाय का क्रेटर थर्मोकास्ट का एक उदाहरण, विश्व का सबसे बड़ा ठीक है पार्मा फ्रॉस्ट क्रेटर है ठीक है। रशिया में है सक्रिय ठीक सक्रिय रॉक ग्लेशियर थर्मोक्रस्ट विशेषताओं का निर्माण के कारण बन सकते, तो ये भी स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे ये कहाँ पे मिलेगा, ये जो बाटा गाइका की बात करेंगे तो आपको रूस में मिलता है, कहाँ पे मिलता है ये रूस में ठीक है, कहाँ पे मिलता है रूस में ठीक है, कहाँ पे मिलेगा ये रूस में है ठीक है। अब चलेंगे ऑल स्टेटमेंट इसका ट्रू। अब देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2024 के लिए विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ठीक है। रिपोर्ट में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि में तेजी का अनुमान लगाया गया है ठीक है। रिपोर्ट में 2024 में वैश्विक मुद्रा स्फीति में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है ठीक है। जलवायु परिवर्तन एवं अंतर सरकारी पैनल का अनुमान है कि बढ़ते तापमान के कारण वर्ष 2100 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक की कमी आएगी। बताना उपयुक्त में से कितने कथन सही है ठीक दो दूसरा पहला है। तिरपन गलत का क्या आंसर होगा ठीक है, तिरपन का बताएं आंसर क्या होगा। तो पहला तो गलत है सर, तेजी का अनुमान तो नहीं वो लगाया घटेगा, गया, महंगाई कमी गिरेगी ठीक है, जीडीपी गिरेगी, बढ़ेगी, पूरा वर्ल्ड का जीडीपी गिर रहा है ठीक है। ध्यान रखना कि भारत का ही बढ़ रहा है, चीन का बढ़ रहा है, बाकी पूरी इंडिया दुनिया का मतलब क्या है, गिर रहा है ठीक है। ठीक है तो ध्यान में इसको रखना। बढ़ेगा। अब बात करेंगे रिपोर्ट में ठीक है, रिपोर्ट में 2024 में ठीक है वैश्विक मुद्रा स्फीति में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो वैश्विक मुद्रा स्फीति में वृद्धि का अनुमान है कि नहीं ये बताइए, तो ये भी आपका गलत है ठीक है। जलवायु परिवर्तन पे अंतर सरकारी पैनल का अनुमान है कि बढ़ते तापमान के वर्ष 2100 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 10% से अधिक की कमी हो जाएगी, गलत तो ये आपका सही है ठीक है। ध्यान रखेंगे ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये आपका है। सही स्टेटमेंट है ठीक है। मतलब तीसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करेंगे तो कथन तीन की बात करेंगे आपका सही, मतलब बोलेगा कितना कथन सही थे, केवल एक कथन आपको सही देखने को आपको मिलता है, ध्यान में इसको रखना है ठीक है। चलिए दूसरा आप क्या है चलेंगे सर? आगे चलेंगे, दूसरा क्या है, दूसरा जो था जलवा 2024 रिपोर्ट 2024 वैश्विक मुद्रा स्फीति में वृद्धि का अनुमान है तो गलत है, जब जीडीपी जब कमेगा तो वैश्विक मुद्रा स्फीति में वृद्धि कहाँ से होगा, इज इट पॉसिबल घटेगा नहीं ना पॉसिबल। हाँ बिल्कुल जीडीपी घटेगा भाई, वैश्विक मुद्रा स्फीति में तो कम होगा ना, तो दोनों तो एक दूसरे का पूरा क्वेश्चन था तो सीधे सीधे गलत हो गया ठीक है। झेलम नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की, इसका उद्गम तिब्बत के स्थित मानसरोवर झील के समीप से होता है, पहला क्वेश्चन। यह सिंधु की एक सहायक नदी है, इसकी गलत प्राथमिक शाखा नदी किशनगंगा नदी है, बताइए क्या सही है। वेरी नाक से दो होता है, वेरी पहला नाक। रॉन्ग है, ठीक है पहला नहीं वाला रॉन्ग है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि है। बात करें झेलम द्रोणी बेसिन का अपवाह ऊपरी झेलम नदी से होता है, जिसका उद्गम कश्मीर घाटी में पीर पंजाल श्रृंखला के तल पे स्थित अनंतनाग के बेरी नाग के एक झरने से होता है ठीक है। तो पहला वाला तो मानसरोवर वाला से तो गलत हो गया, सिंपल है ठीक है। यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर में बुलर झील से होकर गुजरती है ठीक है, और यही जो है ना क्या बोलते हैं झेलम नदी जो पानी किसे देगी, तो बुलर झील को पानी देती है ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ठीक है। तो यह गलत है आपका ठीक है, यह सिंधु की एक सहायक नदी है, क्या बात है, यह नदी सिंधु की सहायक नदी है, बिल्कुल सिंधु की सहायक नदी है ठीक है, आई थिंक सिंधु की सहायक नदी है, ध्यान में रखना है। हाँ बिल्कुल सही है ठीक है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चेनाब है कि झेलम है, चिनाब चेनाब चेनाब ठीक है, चेनाब है ठीक है, ध्यान रखेंगे ठीक है। अब बात करेंगे इसकी प्राथमिक सहायक नदी किशनगंगा नदी है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है ठीक है। तो मतलब दो या तीन स्टेटमेंट की सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसमें क्या होना चाहिए, तो ये आपको बेरीनाग से निकलती है ना कि मतलब कहाँ से, तो ध्यान रखे कहाँ से, सिक्किम के स्थित मानसरोवर झील से निकलती है ठीक है, ध्यान में रखना है ठीक है। एक और भी इसकी सहायक नदी जिसका नाम है कुनहार, किशनगंगा के अलावा कुनहार नदी ठीक है, तो कुनहार नदी की बात करें तो ये भी आपकी झेलम की सहायक नदी है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन के, दार्जिलिंग बड़ा अच्छा सा प्रश्न दिया है इसमें ठीक है। दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में हिम तेंदुआ के लिए एकमात्र संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम है, क्या ये बात सही है, क्या सही है, अभी तो बड़ा अच्छा सही है, ये भारत का सही है। सबसे ऊंचा ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा ऊंचाई वाला जूलॉजिकल पार्क है, बताइए सही है क्या। नहीं, ये सिक्किम में होना सही चाहिए। है, ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन जो होगा 55 का ऑप्शन क्या होगा, सी, मतलब एक आ दो, दोनों के दोनों सही है ठीक है। ये भारत में हिम तेंदुआ के लिए एकमात्र संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम है ठीक है। दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसको पूरा नाम की बात है पद्मजा नायडू ठीक है, पद्मजा नायडू जानते हैं आप लोग कौन थे, नेहरू, पॉलिटिशियन नेहरू जी के गर्लफ्रेंड थे ठीक है, सरोजिनी नायडू जी की बेटी है ये वो तो लता ठीक है। मंगेशकर थी।
था मैंने इसका, ठीक है, हाँ पद्माजा, पद्माजा नायडू नाम था उनका, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, पद्माजा नायडू, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पश्चिम बंगाल, जिसे आमतौर पर दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, हिम तेंदुआ के लिए सफल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम है, ठीक है, और ये जो है सब हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है। भारत में दार्जिलिंग चिड़ियाघर में हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु तो एकमात्र प्रजनन कार्यक्रम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर भारत का सबसे ऊंचाई पे स्थित सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, ठीक है, तो ये भी आपको इंपोर्टेंट है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वैश्विक जोखिम सूचकांक की बात करें 2024, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ल्ड रिपोर्ट जारी किया जाता है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बताइए कौन जारी करता है, वैश्विक, इकोनॉमिक बिल्कुल फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जारी करता है, ठीक है, बात करेंगे इसमें रैंक वगैरह कुछ पता है क्या, इसमें दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच WF ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 जारी की, जिसमें तीव्र रूप से तकनीकी परिवर्तन, आर्थिक अनिश्चितता, ग्रह के तापमान में वृद्धि और संघर्ष की पृष्ठभूमि में अगले दशक में हमारे सामने आने वाले कुछ सबसे गंभीर जोखिमों को प्रदर्शित किया गया, ठीक है। अब आते 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस नॉट, बीटल एक पत्ती खाने वाला, ठीक है, कीट है जो कि कनाडा का मूल निवासी है, ठीक है, बीटल ध्यान में रखेंगे, कीट का नाम है, ठीक है, बीटल विशाल क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि इसकी उड़ान क्षमता बहुत अच्छी होती है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बीटल उड़ान क्षेत्रों में, सॉरी, बीटल विशाल क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि उनकी उड़ान क्षमता अधिक होती है, ये स्टेटमेंट सही है। बाकी ये जो यूकेलिप्टस नॉट बीटल पत्ती खाने वाला कीट है जो कनाडा का मूल निवासी है, गलत है, तो कहाँ का मूल निवासी है, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है, कहाँ से संबंध रखता है, तो ध्यान रखें कहाँ से संबंध रखता है, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ से संबंध रखेगा ये, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है, ध्यान में रखें कहाँ से, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखता है, न कि कनाडा से संबंध रखता है, ठीक है, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और चलिए गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, तो गणतंत्र दिवस झांकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कीजिए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड की झांकी का चयन गृह मंत्रालय के एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया जाता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, तो पहला ही गलती होगा, गणतंत्र दिवस का जो भी कार्यक्रम का सारा जिम्मेवारी किसका होता है, रक्षा मंत्रालय का अधीन आता है, ठीक है, नहीं, गणतंत्र दिवस का जो भी कार्यक्रम होगा ना, सबके सब रक्षा मंत्रालय, हाँ, ओवरऑल रक्षा मंत्रालय, ठीक है, गणतंत्र दिवस पे किस प्रकार की व्यवस्था करना, नहीं करना, कहाँ पे होगा, नहीं होगा, टेंट कैसे लगेगा, कुर्सी कैसे लगेगा, सबके सब रक्षा मंत्रालय, ठीक है, क्योंकि जो आपके पास कभी जो इसमें नौकरी वाले होंगे, ठीक, उनके पास कभी ऑफिस में टिकट टुकट भी आता होगा, तो देखिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से टिकट दिया जाता है, ठीक है, मतलब पास वगैरह आता है, रक्षा मंत्रालय की तरफ से आता है, ठीक है, स्टेट में गृह मंत्रालय करता है, वैसे रक्षा मंत्रालय, ठीक है। गैर चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान लाल किले में 6 दिवसीय कार्यक्रम भारत भर में अपनी झांकी का प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, गैर चयनित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 साल के चक्र के भीतर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकियां पेश करने के लिए एक चक्रीय कार्यक्रम स्थापित किया है, बताना कौन, पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, रक्षा मंत्रालय ने उन राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रावधान शामिल किया जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड हेतु भारत भर पर अपनी झांकी दिखाने के लिए चुना गया, ठीक है, अब तक कथन 2 की बात करेंगे सही है, ठीक है, अब बात करें कथन 3 की बात करें, तीसरा सही है कि नहीं, ठीक है, तो भारत सरकार गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 से लेकर 31 जनवरी तक 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करती है, यह वैकल्पिक कार्यक्रम ऐतिहासिक लाल किले पे होता है, तो क्या बात करेंगे, तो आपको तीसरा वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे, ये वाला तो सही है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट भी आपको सही है, ठीक है, जिस सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए चक्रीय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 3 साल के चक्र के अंदर, ठीक है, मतलब 3 साल के चक्र के अंदर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी झांकी प्रस्तुत करने का अवसर मिला था, कथन 3 भी सही है, 28 राज्यों द्वारा सहमत चक्रीय पद्धति का उद्देश्य सभी क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करना, सामाजिक पूर्वाग्रह के आरोपों को कम करना, अत्यधिक समावेशी को उत्सव को मतलब प्रोत्साहित करना है, ठीक है, तो 3-3 वर्षों पे मतलब मिलाया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, पहला वाला गृह मंत्रालय का जगह पे क्या होगा, तो इसका डिफेंस होगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, मतलब इसके कितने कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही, मतलब ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं 59 नंबर देखेंगे सही है कि नहीं, ठीक है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 प्रमुख कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट के रूप में विलय करने की घोषणा की है, ठीक है, तो मिला दिया है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है, इसको मिला दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करेंगे, तो दोनों को क्या किया गया है,
दोनों को मिला दिया गया है, इसको आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे 2006, 2006 का वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम विकास परियोजना के लिए बाघ के जंगल में डायवर्जन पे रोक नहीं लगाता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी आपको सही है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत का पहला वन्य जीव संरक्षण के लिए एक पहल वर्ष 1973 में शुरू की गई थी, क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे तो 1973 में शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट उसको क्या बोलते हैं, मगरमच्छ बोलते हैं ना, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, वो 1975 में था, ठीक है। ये चर्चा में क्या था कि किसका 30 वर्ष पूरा हुआ है, ये चर्चा में क्या था कि किसका 50 वर्ष पूरा हुआ है, ठीक है। ध्यान, अब बताना है सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आपको तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, सही कौन है, तो सभी के सभी तीन स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, ध्यान रखें, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट इसको मिला के क्या बता दिया गया है, इसको पीटी और पीटी बीटी और पीयू को मिलाकर क्या बना दिया है, तो पीटीई बना दिया गया है, ठीक है, क्या बना दिया गया, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट बना दिया गया है, ठीक है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो 1986 में आया था, इसका संशोधन कब किया गया है, तो 2006 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में इसको सॉरी ना नहीं, वन्य जीव वन्य संरक्षण जीव अधिनियम को वाला बता रहा है, 1972 में आया था, इसके 2006 में आपको संशोधन किया, पर्यावरण वाला 1986 में था, ठीक है। आप चलेंगे 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो PMAJY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको PMAY को PMAJY के तहत विलय नहीं किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो पीएमए का प्रधानमंत्री आवास योजना होता है, ठीक है, PMAJY की बात करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों का विलय किया गया है कि नहीं अभ्युदय किया गया, इसके संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है। हाँ, PMAJY का उद्देश्य गरीबी को कम करना और SC समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास में सुधार करना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAJY एक केंद्र प्रायोजित योजना है और PMAJY एक घटक है, पता ना उपयुक्त में से कितने कथन सही है, दो और तीन इसके सही सारे है के सारे इसके तीन, बाद। ठीक है, सारे के सारे तीन टोटल ही स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सही है, ठीक है। हाल में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जिसको PMAJY पर प्रकाश डाला है, जो तीन केंद्र शासित प्रायोजित योजनाओं को सम्मिलित करके एक व्यापक योजना बनाएगा, तीन तीन योजना को इसमें क्या किया गया, मिला दिया गया, ठीक है। इस योजना में कौन कौन शामिल है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को शामिल किया गया, अनुसूचित जाति उप योजना को शामिल किया गया है, अब बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को भी शामिल कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना को इस योजना के तहत विलय प्रधानमंत्री नहीं, चार क्वेश्चन था क्या आवास इसमें, हाँ, पहला लिखा एक और तीन सही है, दूसरा गलत लिया है, ठीक है। हुआ है, PMAJY का उद्देश्य गरीबी को कम तीन करना, SC समुदाय के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को सुधार करना, ये गलत है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट एक और तीन स्टेटमेंट सही है, मतलब एक और तीन कथन सही है, इसका ऑप्शन सी लिया, तो सी में तो सभी तीन दे रहा है, ऑप्शन गलत है, फिर बी होना चाहिए। हाँ 60 नंबर है ना ये, हाँ मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें इसका आंसर सी लिया है, इसका एक आधु मतलब सही ले रहा था, मतलब इसका बी आंसर होना चाहिए, मतलब इसका टाइपिंग एरर है, इसका आपको क्या होना चाहिए, तो बी होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में इसको एक बार देख लीजिएगा, सोल्यूशन आपके पास जीना दिया हुआ है। चलेंगे 61 नंबर क्वेश्चन देखते चाहिए हैं, सर। तीनों सही है, मेरे पास जो सोल्यूशन है उसमें तो लिखा हुआ है एक और तीन सही है, ठीक है, आंसर में तीनों दिया हुआ है, उसके नीचे मेरे वाला हिसाब से सॉरी भी है, तीनों नीचे सही वाला होना लाइन चाहिए। कहाँ नीचे वाला लाइन, सोल्यूशन में वित्तीय वर्ष 2021-22। वित्तीय वर्ष 21-22 में अतः कथन दो सही है, ठीक है, अच्छा इसका ये भी सही है, अरे यार कैसे ही लोग तैयार करते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स में सबके सब सही है इसमें, ठीक है। विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है, बताइए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, बताइए क्या होता है, बताइए, हाँ विश्व बैंक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका विश्व बैंक होता है, ठीक है। तो ध्यान रखा, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट की निम्नलिखित में किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, विश्व बैंक होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, मालदीव आ गया अपना, ठीक है।
8 डिग्री चैनल, भारत मालदीव संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे एक प्रश्न मालदीव वाला प्रश्न जो रहेगा एग्जाम में आपको जरूर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 8 डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय है, लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा जो कि मालदीव को अलग करता है, क्या ये बात सही है? सही है ये। चलिए सही है, ठीक है। एक्वेरियन दोस्ती और एक बढ़िया था एवं ऑपरेशनशील दोनों देशों के बीच में संयुक्त अभ्यास है, ये भी सही है, ठीक है। ऑपरेशन सील एक्वेरियन ये भी भी सही होता है। है, दोस्ती भी होता है, एकता भी होता है, ऑपरेशन शील्ड भी होता है। ऑपरेशन शील्ड जो होता है 2021 में आपका शुरू हुआ था, ठीक है। भारत मालदीव, ठीक है, भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF, ठीक है, भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है और उनकी संख्या प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। तो ये भी आपका सही है, मतलब भारत का जो मतलब जो डिफेंस के जो लोग जो है वहां पे क्या करते हैं, प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका स्टेटमेंट की बात करेंगे तो ये भी आपका आपको सही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आपका सही, इसमें किसी भी तरह का कोई भी गलती नहीं है देवी और सजनों। तो तीनों के तीन स्टेटमेंट की बात करेंगे तो सभी के सभी तीन स्टेटमेंट सही है। चलिए मसूर दाल पे आते हैं, ठीक है। मसूर दाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मसूर छोटे कद एवं स्व परागण के फूलों वाला झाड़ीदार बारहमासी पौधा है जो चपटे आकार के बीज वाली फलियां होती है, ठीक है। सही लग रहा है क्या? पहला स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बहुत ध्यान आसान रखेंगे, ठीक है। हाँ आप चलेंगे इसके आगे का स्टेटमेंट देखेंगे क्या है, ठीक है। इसका दूसरा कथन को देखिए। मसूर एक वर्षाधारित फसल है जो वनस्पतिक विकास के दौरान ठंडे तापमान के साथ परिपक्वता के समय गर्म तापमान में पनपती। आमतौर पर इसकी खेती रबी में की जाती है, बताइए क्या सही है? बिल्कुल ठीक है, ये मसूर भी सही है। मसूर की बात करेंगे तो वर्षाधारित फसल है जो वनस्पतिक विकास के दौरान ठंडे तापमान के साथ परिपक्वता के समय गर्म तापमान में पनपती है। आमतौर पर इसकी खेती रबी के मौसम में की जाती है, ठीक है। अब आते उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र, बुंदेलखंड छत्तीसगढ़, ठीक है, को दाल कटोरा माना जाता है जो देश के कुल दाल के उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन करता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड का इलाका जो है, ठीक है, सबके दाल का कटोरा दाल के लिए जाना जाता है जो कि लगभग दाल का लगभग 25% उत्पादन जो करता है इन्हीं क्षेत्र से होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उपायुक्त में से कितने कथन सही है, तो सारे के सारे तीनों कथन आपको देखने को मिलते सही है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है। अब अतः अंग प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित कथन में लास्ट क्वेश्चन करेंगे इसके और 65 करके इसको छोड़ देंगे क्योंकि आधा घंटा हमारा हो जाएगा, आधा घंटा से ज्यादा नहीं करना। अंग प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी हो रहा था ना, काफी चर्चा में था क्योंकि काफी लोग विदेशों से आ रहे थे भारत में अंग दान लेने के लिए, तो काफी दिक्कत में आ गया था। यहाँ पे हम लोग पढ़ना अंग प्रत्यारोपण के लेके हम लोग को पढ़ना है, तो ध्यान में रखेंगे क्या इसमें सही है, इसको जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे क्या सही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या था। प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है जो उनके रिश्तेदार द्वारा दान दिया जाता है, या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है जो प्राप्तकर्ता को पता हो। मानव अंगों और ऊतकों का प्रत्यारोपण, ठीक है, जो TOT, ये हम लोग करेंट अफेयर में पढ़े थे परफेक्शन वाले में, ठीक है। अधिनियम 1994 के तहत अंग दान के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमा स्थापित की गई है, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा 94 के बारे सही में है, उपायुक्त में से पहला कितने कथन सही है, तो ध्यान रखिएगा। तो उपायुक्त में से बात करेंगे तो ध्यान में रखना है एक कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है तो बताना है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अंग प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्ति के अंगों से हो सकता है जो उनके रिश्तेदारों द्वारा दान दिया जाता है, या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है जो प्राप्तकर्ता को पता हो, ठीक है, सही है। मानव अंगों ऊतकों का प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत, ठीक है, ध्यान रखेंगे, तहत अंग दान के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमा स्थापित की गई। तो ये आपका गलत दिया है, बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों गलत दिया था? उच्चतम न्यायालय ने सरकार को मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम, जिसको TOT के नाम से जानते हैं, ठीक है, 1994 तथा मानव अंग उत्तक प्रत्यारोपण नियम, ठीक है, 2014 के अनुसार अंग दान आवेदनों के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमा स्थापित करने का निर्देश दिया है। अतः कथन दो स्थापित मतलब कथन दो सही नहीं है। ये तो सही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग इसके बात करेंगे तो मानव अंगों और ऊतकों प्रत्यारोपण अधिनियम, ठीक है। अच्छा दान इसमें के साल सभी गलत दे चरण दिया, जो 2014 में था। इसमें 2014 होगा, ठीक है, इसमें 2014 होगा, ठीक है। इसका एक टेक 1994 का भी है, जिसमें मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, ठीक है, ये 1994 का है। मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण नियम 2014 का है, ठीक है। मतलब अधिनियम जो था मतलब 1994 में आ गया, लेकिन उसके रिगार्डिंग जो नियम जो बना 2014 में बना, यही गलत है। अब पहला वाला टाइम स्टेटमेंट की दिया बात गया करेंगे, सही है। ना, जो हाँ टाइम दिया गया है वो वाला 2014 का है।
हाँ टाइम वाला 2014 का, ठीक है। आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट देख लीजिए, अंग का दाता या प्राप्तकर्ता कौन हो सकता है? तो प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है जो उनके रिश्तेदारों के द्वारा दान में दिया जाता है, या फिर ठीक है किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है जो प्राप्तकर्ता को पता था। कथन एक की बात करेंगे, सही है, ठीक है। अधिकतर मामलों में अधिनियम माता पिता, भाई बहन, बच्चों, पति पत्नी, दादा दादी और पोतों पोतियों जैसे करीबी रिश्तेदारों को जीवन यापन के लिए दान की अनुमति देता है, मतलब ज्यादातर रिश्तेदार ही होते हैं, ठीक है। आज की लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, बताना निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्थान, ध्यान रखें भारतीय विज्ञान संस्थान की बात करेंगे, के द्वारा विकसित ताप सहिष्णु वैक्सीन, जिसे सार्स कोविड टू कहते हैं, कि सभी वर्तमान और भविष्य के प्रकारों के खिलाफ प्रभावी है, ठीक है। रिसेप्टर बाइंडिंग डोनोम अपने स्पाइक डोनेम पर स्थित वायरस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इसे कोशिकाओं में प्रवेश करने, संक्रमण फैलाने के लिए शारीरिक रिस्पेक्टर से जुड़ने में सक्षम बनाता है। बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला वाला स्टेटमेंट की बात करें, गलत लिया है, ठीक है। भारतीय विज्ञान संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक ताप सहिष्णु मतलब हीट टॉलरेट वैक्सीन टीके में सार्स कोवी टू के वर्तमान के सभी मौजूदा प्रभेदों के विरुद्ध प्रभावी होने के अतिरिक्त भविष्य के वेरिएंट के लिए भी शीघ्र अनुकूलित होने की क्षमता है, ठीक है। मतलब वर्तमान और भविष्य के प्रकारों के खिलाफ प्रभावी नहीं है, मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, अनुकूल हो सकता है, इसलिए पहला सही नहीं है। अब आगे दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, क्योंकि आईसीएस बात करेंगे तो आईसीएस के अनुसार वर्तमान टीके अधिकांश सार्स कोविड टू प्रभेदों के विरुद्ध प्रभावी साबित होते हैं, किंतु वायरस विषाणु द्वारा तेजी से उत्परिवर्तन के कारण टीकों की प्रभावकारिता भी कम हुई है, ठीक है। अब बात करें रिसेप्टर बाइंडिंग की, बात करें रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन अपने स्पाइक डोमेन पे स्थित वायरस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इसे कोशिकाओं में प्रवेश करने तथा संक्रमण फैलाने के लिए शारीरिक रिसेप्टर से जुड़ने में सक्षम बनाता है। अतः कथन दो की बात करेंगे तो कथन दो आपका सही है, स्टेटमेंट दो सही है, ठीक है। तो इसी के साथ की बात करेंगे, आज की क्लास यहीं पे इसको हम समाप्त करेंगे। अब कल जो है सबका पार्ट वन समाप्त हो गया है, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या किया, 3 दिन के अंदर में हम लोगों ने इसके पार्ट वन को पढ़ लिया, ठीक है। इसके पार्ट वन के बाद अब नीचे में आप जाओगे तो इसको मिलेगा, आपको पार्ट टू मिलेगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ से पार्ट वन में इसके 67 क्वेश्चन थे, कितने थे, 65 क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए हिम तेंदुआ के बारे में थोड़ा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। हिम तेंदुआ के बारे में आप लोगों का क्वेश्चन था ना, चलिए हिम तेंदुआ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हिम तेंदुआ भी काफी चर्चा में था, क्योंकि हिम तेंदुआ का चर्चा में होने का कारण क्या था, दार्जिलिंग स्कूल आने से सेंसस हुआ है यहाँ पे, लद्दाख में सबसे ज्यादा जो नंबर 400 पाया गया। तो ठीक, बात करेंगे हिम तेंदुआ के बारे में हम लोग देखते हैं, हिम तेंदुआ चर्चा में क्यों था, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन उसको देखते हैं। प्राय इसे घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है, हिम तेंदुआ को क्या बोलते हैं, घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं, क्या बोलते हैं, घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से हिम तेंदुआ को जानते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, पहाड़ों का भूत होता है के रूप में संदर्भित किया जाता है। आवास की बात करेंगे तो मध्य और ठीक है मध्य दक्षिणी एशिया के पर्वतीय क्षेत्र हिम तेंदुआ रेंज वाले क्षेत्रों की संख्या की बात करेंगे, 12 है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, पहले वीडियो को पहले बंद कर दूं।